हरियाणा कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जनसंवाद पोर्टल लॉन्च कर दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान आई शिकायतों का डेटा अपलोड होगा। तय समय में शिकायतों का समाधान करना सुनिश्चित होगा। तो बता दें कि अभी 3609 एंट्री जनसंवाद पोर्टल के डेमो वर्जन में ही दर्ज हो चुके हैं। तो मुख्यमंत्री ने जनसंवाद पोर्टल लॉन्च कर दिया है। शिकायतों का पूरा डेटा जो है इस पोर्टल पर मौजूद होगा। इसके साथ ही एक तय समय सीमा में तमाम शिकायतों का समाधान होगा। तमाम जो लोग हैं अपनी शिकायतों का क्या कुछ स्टेटस है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही 2023-24 की आबकारी नई आबकारी नीति को भी स्वीकृति मिल चुकी है। तो हरियाणा कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी है। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। 22 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से दो जो सबसे अहम फैसले थे, पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, समाधान पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष का आबकारी नीति भी लॉन्च कर दिया गया है। मित्रों, आज दो विषयों पर हम बात करेंगे। पहला विषय तो यही जो जनसंवाद का पोर्टल है, जनता के साथ जो सरकार का एक संबंध आता है, उसमें जनता की बात सरकार तक हर विभाग की या हर मंत्री के पास, हर विधायक के माध्यम से अथवा सीधी वो बात पहुंचे, और पहुंचने के बाद उसके ऊपर कार्य भी हो, क्रियान्वित कैसे हो सकती हैं, चाहे उसकी समस्याएँ, ग्रीवेंसीज हैं, कंप्लेंट्स हैं, या उनकी कोई डिमांड्स हैं, या उनके कुछ सुझाव हैं, तो ऐसे किसी प्रकार का जो काम होता है, सामान्यतया एक रूटीन बना हुआ है कि सब लोग आके बताते भी हैं और लिख करके वो कागज़ भी देते हैं। और मैं तो स्वयं आगे बढ़ के कहता हूँ कि कोई बात बतानी है तो कागज़ पर लिख करके दोगे तभी उसको कहीं ना कहीं आगे कर पाएंगे। केवल बता देंगे तो बताई हुई बातें बहुत ज़्यादा स्मरण में रहती नहीं हैं, फिर काम के प्रेशर के कारण से चीज़ें पिछली भूलती हैं, आगे आती चली जाती हैं। तो उसका एक सिस्टमेटिक ढंग से हमने वैसे तो पहले दिन से ही ये सारे काम शुरू किए। जब 2014 में 25 दिसंबर को हमने जो गुड गवर्नेंस डे मनाया था, उसके अंदर सीएम विंडो ये शुरू किया था। और सीएम विंडो का जैसे आप इस पर भी देख ही रहे हैं कि 11 लाख और 6,899 ये कंप्लेंट्स उस पर रिसीव हुई है, जिसमें 10,23,728 ये कंप्लेंट्स रिजॉल्व हो गई हैं। तो इस नाते से जो इन टाइम हुई वो 3,06,000 बताई जा रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी होती है जो प्रोसेस में टाइम लगता है, वो भी रिजॉल्व हुई है लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा है। इसी प्रकार से दूसरा एक पोर्टल जनता के लिए, वो दो बनाए थे, एक शहर के लिए अलग, गांव के लिए अलग। शहर का है नगर दर्शन, गाँव का है ग्राम दर्शन। उसमें भी हर गाँव का या शहर का अपने एरिए का जो नागरिक अपने हैं, वहाँ की कोई डिमांड है, उसमें मेनली डिमांड्स हैं अपने विकास के काम के लिए, छोटी बड़ी कोई उसकी शिकायत होती है, ये काम किया जाए, ये काम किया जाए, तो वो ग्राम दर्शन और नगर दर्शन में वो उसको अपलोड करते हैं। और अपलोड करने के बाद वो अपने आप डायरेक्टली डिपार्टमेंट के पास जाती हैं। डिपार्टमेंट के लोग उसको एनालिसिस करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, उसका एस्टिमेट तैयार कराते हैं, फिर उसको अप्रूवल करा कर उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। वो भी पिछले एक साल से हमने उसमें काफ़ी किया है, उस पर भी काफ़ी प्रगति हो रही है। लेकिन शुरू में चूँकि वो नया पोर्टल था, तो उसमें विधायकों के और चुने हुए प्रतिनिधियों का भी उसमें रोल था। तो चुने हुए प्रतिनिधि हमारे पंचायतों के, ग्राम पंचायत को तो अब आकर के बने हैं, केवल विधायक रिकमेंड करते थे, अब कोई भी चुनाव प्रतिनिधि जो है उसको रिकमेंड करके भेज सकता है, और उस पर काम शुरू हुए हैं।